अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज है चांद रात का दिन और सऊदी अरब में ईद हो गई है और हज भी हो गया है। और यहाँ पे आज चांद रात आई और कल ईद बकरा ईद है, यानी ईद उल अज़हा। तो आज अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि यार आज व्लॉग बनाओ, आज हम लोगों का लास्ट डे है, आज लास्ट डे है हमारा ऑफिस में, उसके बाद हमें 4 दिन की छुट्टियाँ हैं। और अब्दुल्ला कह रहा है कि उसने आईफोन लेने जाना है आज, तो चलेंगे आज। अब्दुल्ला का आईफोन भी लेके आएंगे और साथ में कुर्बानी की भी तैयारी करेंगे, छुरियाँ चाकू तेज़ करा लेंगे साथ में। यार आज एक बहुत अफसोसनाक खबर है कि जिनके पास हम गए थे मज़र के पास, मज़र के आज चाचू फोत हो गए हैं कल रात को। तो इनके लिए सब दुआ करें, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और उनकी मुश्किलात आसान करें। तो गाइस ये अचानक सरप्राइज बारिश हो रही है, रास्ते में आते हुए अचानक होने लग गई है। तो जो अब्दुल्ला का मोबाइल लेने का प्लान था वो क्या हो गया, अब कैंसल। तो अभी बारिश में ही हम लोग जा रहे हैं, तो अभी बारिश में ही घर जाने लगे हैं। अब काफी आज के काफी प्लान है जो कैंसिल हो गए हैं। चलो आपको मॉल दिखाते हैं। चलो ये देखें अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है, वहां पे मैं भीग के आया हूँ और यहाँ घर पे बारिश का एक कतरा भी नहीं आया। और ये देखो अभी मैं गीला हूँ फुल, मेरे कपड़े भी सारे अभी तक गीले हैं, तो लगता है इधर भी आने वाली है। इंतजार करते हैं, अगर आ जाती है तो नहाएंगे बारिश में। और क्या आप शायद देख सकते होंगे वहाँ पे बारिश हो रही है इस साइड पे, सही है, और यहाँ वाली साइड पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो उधर से लगता है ट्रैवल हो के इधर आने वाली है। अचानक तेज बारिश है, कितनी तेज है, वाओ काफी तेज है बारिश, आपको दिख रही होगी, आ गई है, अचानक आई है और फुल स्पीड से आई है, फुल स्पीड से। तो काफी बड़े बड़े कनिया है, काफी बड़ी बड़ी कनिया है, तो इंजॉय करो वेदर को यार। मतलब क्या बोलते हैं, ईद वाले दिन है और काफी अच्छा है। तो गाइस देखो बारिश फिर तेज होने लगी और मैं नहाना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बारिश में, और कैमरा भी गंदा हो जाता है यार। बंद करो कैमरे को। तो गाइस मैंने नहा लिया, अब बारी है बाइक के नहाने की। तो ये मेरा छोटा भाई धोने लगा दोनों बाइक्स को, ये ले आया है। क्या लेके आया ये सरफ। यार शैम्पू से होंडा धोते हैं, सरफ से नहीं धोते। ओ ये शर्ट तो मेरे नाम वाली है, ये तो मेरे चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की, यानी ईद है, कुर्बानी होनी है, हर घर में कुर्बानी होती है, अल्लाह हर किसी को तौफीक दे कुर्बानी करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं मतलब किसी को अपना मतलब जानवर दिखाऊं या मैं शो ऑफ करूं। तो काफ़ी लोगों का मैं स्टेटस देखता हूँ या वीडियोज़ देखता हूँ, वो काफ़ी लोग शो ऑफ करते हैं, तो यार शो ऑफ नहीं करना चाहिए, शो ऑफ से मतलब वो फिर कुर्बानी नहीं रहती। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि शो ऑफ ना करें, कुर्बानी करें, बस तमीज़ से करें। और जो लोग दिखाते हैं उनके लिए बेसिकली ये पैगाम है कि यार जो लोग नहीं कुर्बानी कर सकते ना, तो उन लोगों के दिलों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते क्योंकि मुल्क की सूरत हाल ऐसी है और महंगाई इतनी ज़्यादा है इस वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट डे को नहीं कर रहे, सेकेंड डे को कर रहे हैं। तो मुझे और सबको अपनी दुआओं में याद रखें इस ईद उल अज़हा के मौके पे, और अल्लाह सबको नेक हदायत दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सारे मिलके जब आमीन बोलते हैं तो दुआ कबूल होती है, तो सब मिलके आमीन बोलें और मेरा चैनल देख सब्सक्राइब कर दें और देखते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।